उद्घाटन होता है मंगल मूर्ती क्रॉस मध्ये ठेवा क्रॉस मध्ये बस 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 अर्थ बंद पूर्ण कोयला नाही मिळ रहा मैडम तेरा हाथ पड़ेगा ना हाथ बांध लीजिए ना ना मैडम थोड़ा बाहर आ जाइए अंकल मैडम मैडम थोड़ा डोक मैडम तो डोक तुम्हारी मैडम चार चार टीम है इस तरह जैसे हमने जो तूफान आने के पहले हर जगह में ट्रेनिंग करवाई थी लेकिन अभी सबका मुंबई तरुण का सबका एक मत है कि जो वृक्ष प्राधिकरण के जो नियम है वो अभी बदलना चाहिए। उसमें इतना ही डायमीटर की उनकी जो जो हमारे मराठी में फंदी बोलते हैं वो काटो तो नहीं, अभी जो पूरा डेरेदार वृक्ष रहता है उसकी फुल ट्रिमिंग होनी चाहिए। क्योंकि बड़ी बड़ी डालिया गिरते तो मृत्यु हो जाता है, इससे बचना है तो झड़ जीवित रहना चाहिए, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। लेकिन उसके बड़े बड़े डालिए वो भी ट्रेनिंग होना चाहिए, वो भी निकलना चाहिए। क्योंकि वही जो झड़ रहता है वो 5 साल में बढ़ता है, 1 साल में बढ़ता है, तब तक ऐसे बारिश में ऐसे तूफान में उनका ट्रेनिंग होना जरूरी है। जिसको अभी हमारे वर्ली में जो खराब करके लेडी
जिला अधिकारी लोगों ने पंचनामा कर दिया है। हमारे विभाग से हम जाके उनके घर में जाके उनके दो बच्चे, एक बच्चा हस्बैंड के साथ, एक अपनी बाप के साथ, एक बच्चा माँ के साथ रहता है, वो टेप में पढ़ रहा है। उसकी पूरी पढ़ाई, जैसे गोपाल सिंह खजदार है, जैसे हमारे अरविंद सावर खजदार है, उन्होंने पूरी उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। उनको खाना पीना हमारे शासन के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि वही एक लौकी कमौती कमाने वाली थी। और हमारे विभाग से 1 लाख की उनको परसों ही हम घर जाके मदद की है। ये मदद तो टेम्पररी है, लेकिन वो बच्चा पढ़ेगा, अच्छी तरह उसकी पढ़ाई होगी तो उसको खुद के खुद अच्छी नौकरी भी मिलेगी। इसलिए उसकी पढ़ाई और दादी की सेहत, ये दोनों हमारे स्थानीय लेवल पे हम कर रहे हैं। ऐसे हर जगह में होना चाहिए। जिला अधिकारी लोगों को पंचनामा करके उनसे जो मदद मिलनी चाहिए वो जल्दी ऐसी मिले, इसके लिए हम भी उसके ऊपर नज़र रख के रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। सर, एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिल रहा है, जब शिवसेना बीजेपी के अलावा महापौर भी मौजूद है और उद्घाटन किया गया, बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं मुंबई शहर के महापौर जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। उपनगर के लिए एक अच्छी व्यवस्था आज यहाँ पर हुई है, उसका भी हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत किया। भाई भाई बस, ग्रोवेज के जो मालिक है उन्होंने ये जगह यहाँ पर उपलब्ध करके दिया, और हमारे डीएम श्री शंकरवार और उनकी पूरी टीम ने जो व्यवस्था खड़ी की है, इसलिए निश्चित मैं खासदार के नाते सभी का स्वागत करता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि यहां पर जो सीनियर सिटीजन्स आएंगे वैक्सीन लेने के लिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मतलब गाड़ी से उतरे बिगड़ी वैक्सीन लेकर फिर वो वापस बाहर निकल सकते, इस प्रकार की एक अच्छी व्यवस्था हुई है। तो इसका हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत करना चाहिए। मैं हमारे आमदार अतुल भाटकर जी का, आमदार सिद्धेश कदम जी, हमारे सारे नगर सेवक और सारे स्टाफ का स्वागत करता हूँ और बहुत ही खुशी जाहिर करता हूँ कि एक अच्छी व्यवस्था हमारे उपनगर के लिए यहाँ पर मिली है। इसलिए मैं फिर एक बार महापौर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, कई बार ऐसा देखा गया कि रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी वैक्सीन नहीं मिल रही थी, पिछले 8 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर काफ़ी बंद है, क्या अब सब जगह इस तरह की वैक्सीन की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है? देखिए, जितना डिक्लेयर किया है उतना वैक्सीन तो रोज मिल रहा है। उसमें से ये भी पाया गया कि जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें से भी कुछ लोग आते नहीं हैं, इसलिए इतना बड़ा जब काम होता है तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है, लेकिन कुल मिलकर ये व्यवस्था सेट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर इसको सक्सेस करने का प्रयास करना चाहिए, लोगों ने भी साथ देना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि मुंबई शहर में लोगों का प्रतिसाद बहुत अच्छा रहा है, थोड़ी परेशानी होती है तो उसको झेलने की क्षमता भी मुंबई कर नागरिकों ने अपना मन बनाया है। कुल मिलकर हम सरकार के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि लोगों का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हो। ड्राइविंग वैक्सीनेशन को लेकर जो कॉन्सेप्ट आया है, उससे क्या सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी और जो खतरा खास करके इन्फेक्शन का है वो कम हो जाएगा? निश्चित रूप से इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। गाड़ी से उतरे भी गरीब वैक्सीन लेकर अगर चले जाते हैं तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको बिल्कुल किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और अभी हमने देखा कि 2 मिनट में काम हो जाता है। तो नई जो सुविधा आए हैं उसका हमें स्वागत करना चाहिए, थोड़ा मन भी बड़ा करना चाहिए लोगों ने, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत ही कम समय में।